हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट यानी कि एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे फ्रेम के बारे में कि फ्रेम क्या होता है। फ्रेम के बाद हमने बात की कि टाइप्स ऑफ फ्रेम या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स के अंदर तीन तरह के हमारे फ्रेम्स होते थे जिनके बारे में हमने बात की। कौन कौन से फ्रेम थे? हमारा फर्स्ट फ्रेम था परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम सेकेंड, और थर्ड नंबर पर हमारा था ओवर परफेक्ट, ओवर परफेक्ट फ्रेम। तो ये तीन तरह के हमारे क्या होते हैं फ्रेम जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रसेस के अंदर। हमने बात की अजम्पशंस के बारे में कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स है, फोर्स को डिटर्मिनेशन कर लिए जो हम अजम्पशंस यूज करते हैं, कौन कौन सी अजम्पशंस होती है, इस यूनिट में हमने लास्ट लेक्चर में बात की है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो एनालिसिस ऑफ फ्रेम है या फिर बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रसेस है, तो वो हम तीन तरीकों से एनालाइज करते हैं उन चीज़ों को। तो फ्रेम को एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास तीन मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ जॉइंट। फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो मेथड होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। सेकंड नंबर पे जो हमारा मेथड आता है या टेक्निक बोल सकते हैं वो टेक्निक हमारी रहेगी मेथड्स ऑफ सेक्शन। और थर्ड नंबर पे जो हमारा मेथड है या फिर बोल दीजिए टेक्निक वो रहेगा ग्राफिकल मेथड। तो फ्रेम जो है फ्रेम को एनालाइज करने के लिए एनालिसिस करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। वो कौन कौन से मेथड होते हैं? मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन और थर्ड हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी हमारे मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में कि जो जॉइंट्स मेथड ऑफ जॉइंट्स है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं। तो आपको बताया था सबसे पहले हम जैसे कि चेक करते थे कि जो हमारा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं या फिर मेंबर यूज कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं फ्रेम यूज कर रहे हैं वो हमारा परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते थे, जिस इक्वेशन स्टैटिक इक्वेशन यूज करते थे, जैसे हम यूज करते थे 2n-3, ये हमारी एक इक्वेशन थी जिस इक्वेशन के द्वारा हम जांच कर सकते थे कि हमारा जो फ्रेम है वो परफेक्ट फ्रेम है या नहीं। इसी तरह हम उसके ऊपर जो भी रिएक्शंस होते थे उन रिएक्शन को डिटरमाइन करते थे। तो आज हम उसी के आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एनालाइज ऑफ फ्रेम के अंदर ही सेकंड पॉइंट। पहला आपको पता है, पहला हम कर चुके हैं, वो हमारा कौन सा था? मेथड ऑफ जॉइंट। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? मेथड ऑफ सेक्शंस। सेकंड है हमारा मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, पहला आपको पता है, पहले के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हमारा क्या था? मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा है मेथड ऑफ सेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कि मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट्स पे बेस्ड जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर भी हम चेक करेंगे कि चेकअप द ट्रसेस, जो हमारी ट्रस है जो हम यूज कर रहे हैं, ट्रसेस यूज कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारा मेंबर है जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर हम क्या करेंगे? चेकअप, चेक द ट्रस जो हम यूज कर रहे हैं, ट्रसेस, चेक द ट्रस इज परफेक्ट, इज परफेक्ट और नॉट, कि वो परफेक्ट है या फिर नहीं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में जब हमने मेथड ऑफ जॉइंट की बात की थी तो मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर भी हमने यही पॉइंट किया था सबसे पहले कि जो हमारा मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर जो हम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो फ्रेम हमारा परफेक्ट फ्रेम है या नहीं, ये हमने किया। इसी के अंदर भी यही करेंगे, चेक द ट्रस इज परफेक्ट और नॉट, कि जो हम ट्रस यूज कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जॉइंट के लिए वो हमारी ट्रस परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि आपको पता है तीन तरह की हमारे फ्रेम की होती है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और ओवर परफेक्ट। तो सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं। सेकंड नंबर में हम क्या करते थे जब जॉइंट्स की बात की थी, मेथड ऑफ जॉइंट्स की, तो उसके अंदर भी हम यही करते थे कि फाइंड द रिएक्शन, जो रिएक्शन है उसको फाइंड आउट करते थे, एक्सटर्नल जो फोर्सेस लग रही है, एक्सटर्नल जो स्ट्रेसेस लग रही है उसके द्वारा हम क्या करते थे, स्टैटिक कंडीशन का यूज करके हम फाइंड आउट करते थे रिएक्शंस को। वही यहां पे करेंगे, हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन, फाइंड द, सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, फाइंड द एक्सटर्नल, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शंस, जो भी हमारे एक्सटर्नल रिएक्शंस है उनको फाइंड आउट करना, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शंस बाय स्टैटिक इक्वेशन, बाय स्टैटिक
इक्वेशन कि स्टैटिक इक्वेशन का यूज करके हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल रिएक्शंस को। यही हमने किया था जब हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ जॉइंट्स की। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर भी हमने यही किया था कि फाइंड द रिएक्शंस बाय अप्लाइंग स्टैटिक इक्वेशन। जो हमारी स्टैटिक इक्वेशन है, स्टैटिक इक्वेशन को अप्लाई करके फाइंड आउट करते थे हम। किसको फाइंड आउट करते थे? रिएक्शंस को, कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होएगा, नाउ पास सेक्शंस इन विच इन सच ए वे दैट इट्स कट मेंबर इन विच फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड। यानी कि जब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, या थर्ड स्टेप बोल दीजिए, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हो रही हैं, जो हमारे मेंबर के ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जब हम पासिस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे, तो जो भी फोर्स लग रही है, हम फोर्स को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द मेंबर्स इन विच फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, थर्ड सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो भी हम पास करेंगे, कि जब हम पास करेंगे, नाउ पास सेक्शन इन सच ए वे, Now, pass section in such a way that the member, जो हमने member use किए हैं, that the members determine the force, यानी कि member के ऊपर जो हमारी force लग रही है, that the members in which force is to be determined। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्स है, फोर्स को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड, कि नाउ पास सेक्शन, जैसे हम पास करेंगे सेक्शन को, इन सच ए वे दैट द मेंबर्स इन विच फोर्स इज टू बी डिटरमाइन। तो हम क्या करेंगे, जिस मेंबर के ऊपर फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम क्या होते हैं, फॉर टेकिंग मूवमेंट्स द पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड। लास्ट पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, इसके अंदर फॉर टेकिंग मूवमेंट्स की मूवमेंट्स को टेक करने के लिए क्या करेंगे, द पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड इन सच ए वे That lines of action of all the members cut section pass through। यानी कि जो भी हमारी lines है, वो lines जब pass करेंगी, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को cut करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, for taking moments, यानी कि जब हमने moments लेना है, तो क्या करेंगे, the point should be selected। तो मूवमेंट, जब भी हमने टेकिंग मूवमेंट लेना है, तो मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को सिलेक्टेड करेंगे, द पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, सो दैट द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स कट बाय सेक्शन। ठीक है, द पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो भी हमारी लाइंस है, वो सेक्शन को जब पास करेंगे, ऑल ओवर द मेंबर्स कट बाय द सेक्शन, यानी कि उनको क्या कर सके, कट कर सके। तो ये हमारी आ जाएगी मेथड्स ऑफ सेक्शन, या फिर बोल सकते हैं मेथड ऑफ सेक्शंस के अंदर। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स, और ये हमारा सेकंड रहेगा मेथड्स ऑफ सेक्शन। तो देखिए, मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट, चेक द ट्रस इज परफेक्ट और नॉट, कि जो भी हमारी ट्रसेस है, हम यूज कर रहे हैं हमारे इसके अंदर, जब हम एनालाइज ऑफ ट्रस कर रहे हैं मेथड के अंदर, जो भी हमारी ट्रस है, जिसके ऊपर हम पूरी बेस्ड है हमारा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो हम ट्रस यूज करेंगे कि वो हमारी परफेक्ट है या नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शंस बाय स्टैटिक इक्वेशन, कि जो हमारी रिएक्शंस है, आपको बताया था जिस तरह से हमारे ये कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमने क्या दिए होते हैं, इनको आर ए मान लीजिए या फिर आर बी मान लीजिए, ये क्या है, सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाए होते हैं। तो इन्हीं स्पोर्ट्स के ऊपर कौन से जो रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टैटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन, एक्सटर्नल जो रिएक्शंस है, आर ए है, आर बी है, आर सी हो सकता है, जो भी वैल्यूज होगी, उन आर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टैटिक इक्वेशंस का यूज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, नाउ पास एक्शन इन सच ए वे दैट द मेंबर्स इन विच फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड।
तो उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा पास्ट सेक्शन शो होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फोर्स को डिटरमाइन करेंगे जो मेंबर्स के ऊपर लग रही है। द मेंबर्स इन विच फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड, कि उन मेंबर्स को हम क्या करेंगे, पास्ट सेक्शंस करेंगे जिनमें से क्या हो रही है, फोर्स डिटरमाइन करेंगे। लास्ट में फॉर टेकिंग मूवमेंट्स, जो हमने अगर मूवमेंट को लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो वो पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जिस पॉइंट से क्या होगा, जितने भी ऑल ओवर मेंबर्स हैं हमारे, जो भी मेंबर्स हैं वो कट कर रहे हैं सेक्शंस को, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा रहेगा मेथड ऑफ सेक्शंस, ये हमारा क्या रहेगा, मेथड्स ऑफ सेक्शन। तो इसी पे मेथड ऑफ सेक्शन और हमारा कौन सा था, मेथड ऑफ जॉइंट, तो इन पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मेथड ऑफ पॉइंट्स है, मेथड ऑफ जॉइंट है। जॉइंट के बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के बेस, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हम करते हैं वो है हमारी मेथड ऑफ पॉइंट्स से रिलेटेड, ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स से रिलेटेड, ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर भी आपने यही चीज की थी कि हम क्या करते थे, सबसे पहले चेक करते थे कि जो हमारा फ्रेम है वो परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है, यानी कि वो परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है या फिर ओवर परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते थे, फाइंड द रिएक्शंस, जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को फाइंड आउट करते थे। तो यहां पे हम करते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड फोर्स इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस, कि एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक आपको इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज दी हुई है, आपने क्या करना है, फाइंड आउट द ऑल फोर्सेस, यानी कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है उस ट्रसेस के ऊपर, उन फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो क्या है, इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, ऑफ द ट्रस्ट, जो भी हमारा मेंबर है ट्रसेस का ऊपर के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं ऑल द मेंबर्स पे, उन फोर्सेस को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो आपको इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन दी हुई है तो वो किस तरह से है, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर इक्वेशन एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, वो किस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ए से लेके मान लीजिए ये हमारा है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, ठीक है, ए भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर ठीक है, इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम यहां से इस तरह से कट हो रहा है, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ए पॉइंट, ये हमारा रहेगा बी पॉइंट, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सी, और ये हमारा पॉइंट बन जाएगा डी पॉइंट, ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट को हम बोल देंगे ई, और ये हमारा पॉइंट कहलाएगा एफ पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, एफ पॉइंट। नीचे क्या है, ये फोर्सेस लगी हुई है जो रिएक्शंस की, यहां से जो रिएक्शन है ये आर वन के होगा, यहां पे जो रिएक्शन हो जाएगा इसको हम आर टू बोल देंगे, आर वन और आर टू, ठीक है, आर वन हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा आर, ठीक है, सॉरी आर टू यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा आर थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज हो जाएगी, जो जो हमें इक्वेशन के अंदर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऊपर हमें दे दिया, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड, और हमें एंगल भी दिए हुए हैं, ये सब कुछ क्या है आपको गिवन है, ये फिगर भी क्या होगी आपको गिवन, मतलब दी हुई है पहले से, एंगल इन्होंने क्या दिया है, एंगल यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री, इसी तरह एंगल यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो एंगल है 60 डिग्री, एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पे भी जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल कितना होगा 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी कितना है 60 डिग्री, और वहां पे भी कितना हो रहा है 30 डिग्री, और ये जो लोड लग रहा है नीचे ये है 10 किलो न्यूटन, लोड हमारा कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे इनकी जो लेंथ है वो भी लेंथ हमें प्रोवाइड करवाई गई है, वो लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ हुआ ये है 8.5 और ये हुई है 2.5, ये सब कुछ क्या है आपको गिवन, यानी कि क्या है
गिवन में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, यहां पे इस फॉर्म बोल सकते हैं नंबर 4, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल में क्या है, फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि इस ये हमारे पास एक ट्रस्ट है, इसके ऊपर जितने भी मेंबर है उन मेंबर्स पे जो भी फोर्स लग रही है उस सारी फोर्स को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जितनी ऑल द फोर्सेस, क्या करना है, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, जो हमारा ट्रस्ट है उसके ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सभी फोर्सेस को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फोर्सेस को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मान लीजिए आपके पास आर ए, यानी कि ये आर वन, ठीक है, आर वन और क्या है आपके पास आर थ्री है, रिएक्शन है ए और बी पे, मान लीजिए ए पे आर वन और बी पे कौन सा है, आर थ्री है, लेट लेट रिएक्शंस कि आपके पास क्या है, रिएक्शंस है, लेट आर वन एंड आर थ्री, कि हमारे पास एक आर वन है, एक हमारे पास क्या है, आर थ्री है, बी द जो कि रिएक्शंस बना रहे हैं, किसके साथ रिएक्शंस है, रिएक्शंस एट आर वन एंड आर थ्री, रिएक्शंस एट कहां पे बना रहे हैं, ए और बी पे, देखो यहां पे आर वन है, ए पे रिएक्शंस हो रहा है, आर थ्री का कहां पे हो रहा है, बी पे रिएक्शंस हो रहा है। तो हमारा इसको हम जब हम लिखेंगे तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं कि R3 is equal to हमारा कितना हो जाएगा, R3 को जब हम इक्वल टू करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 8.5 के साथ, यानी कि जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसे हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 8.5, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 8.5 कर देंगे, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 8.5, और जो हमारा R रहेगा, हम जैसे बोलेंगे R3, तो R3 हमारा कितना रहेगा, तो R3 यहां पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये एक तरह से आप मान लीजिए फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला होता है, आप इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R3x is equal to 10 मल्टीप्लाई में 8.5, ठीक है, R3x is equal to 10 मल्टीप्लाई में 8.5, और जब हम R3 अकेला लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 8.5, ठीक है, 8.5 किया, तो यहां पे R3 की जब हम वैल्यू इसके साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो R3 की वैल्यू आ जाएगी 7.73 किलो न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगी R3 की वैल्यू। तो R3 की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो R1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पूरा कितना 10 होगा, 10 है, 10 माइनस, हमारे पास 10 था, माइनस उसमें से कर देंगे हम 7.73, ठीक है, तो R1 में से जब हम R3 को माइनस करेंगे, यानी कि R3 है उसको हम माइनस कर देंगे 10 में से, 10 में से 7.73 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.27 किलो न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा RA की वैल्यू, यानी कि R1 की वैल्यू A रिएक्शंस पे, उसी प्रकार R3 की वैल्यू है B रिएक्शन पे, R3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.73 किलो न्यूटन। तो यहां से अब हम कंसीडर करके जॉइंट्स को निकालेंगे कि जो भी हमारे जॉइंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जॉइंट, यहां पे हमारे फोर जॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट और फोर्थ जॉइंट, चार जॉइंट्स हैं, इन चारों जॉइंट्स पे हम क्या निकालेंगे, जो भी फोर्सेस लग रही है। तो R1 और R आ गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर जॉइंट वन, पहले जॉइंट पे देखेंगे, यानी कि यहां से पहले जॉइंट पे हमारा क्या रहेगा, आपको पता है जब भी हम रिएक्शंस निकालते हैं, हमने बात की थी मेथड ऑफ जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स के अंदर आपको बताया था कि जब भी हम रिएक्शंस निकालेंगे तो रिएक्शंस के लिए क्या होगा, एच एस्मिशन, वी एस्मिशन, एम एस्मिशन इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से इस स्टैटिक इक्वेशन का यूज करके, स्टैटिक कंडीशंस का यूज करके हम रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी का यूज हम यहां पे करेंगे, जब हम निकालेंगे रिएक्शन तो यहां पे यूज करेंगे, तो सबसे पहले एस्मिशन बी इज इक्वल टू जीरो, यही हमने वहां पे किया, एस्मिशन एच इज इक्वल टू जीरो होता है, एस्मिशन बी इज इक्वल टू जीरो, एस्मिशन एच इज
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना है ए ई, पहली हमारी ये एक फोल्डर लेंगे फर्स्ट, फिर बात करेंगे सेकंड, फिर बात करेंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट की। तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा ए ई, यानी कि ए ई ये वाला ए और ई इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है ए ई साइन 30। जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है ए ई, और एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है साइन 30। तो इस यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 2.27 किलो न्यूटन 2.27 किलो न्यूटन। तो हमारे पास जो ए ई की वैल्यू आएगी, ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.54 किलो न्यूटन। तो यहां से हमारी किसकी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आ जाएगी ए ई की। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस तरफ से निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी यानी कि आंसर आएगा ए ई की, तो ए ई की जो आएगी वो आएगी 4.54 किलो न्यूटन। तो ए ई की हमने बात कर ली, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड ज्वाइंट के बारे में। ठीक है, ये तो हमने सिंपल सॉरी फर्स्ट ज्वाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां तक की है। अब हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम डायरेक्शंस। आपको बताया था कि डायरेक्शंस को ज्यूम करते होते हैं, लेकिन अगर हमारा जो जब हम सब निकाल रहे हैं, जो फोर्सेस निकाल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव के अंदर आ गए तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते होते हैं। तो लेकिन ये क्या चल रही है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे भी एस्टिमेशन कर देंगे, एस्टिमेशन एच इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये आपको अभी बताया, स्टैटिक इक्वेशन के अंदर भी आपको बताया था कि जब हम कंसीडर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन को, तो इनको हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम करेंगे डीई के रिगार्डिंग। डीई, डी हमारा कहाँ पे है, ये हमारा डी है और ई, पहले हमने किया है ए और ई का, अब हम कर रहे हैं डी और ई का। तो डीई के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, डीई इज इक्वल टू ए ई, ए ई, ए ई, साथ में हम क्या लिखेंगे, कॉस 30। ठीक है, अब जो भी इनकी कॉस 30 की वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देंगे, ए ई की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ए ई की वैल्यू हमें पता है 4.454 हमारी ए ई की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू हम की क्या लिखेंगे, cos 30 3/2। तो यहां से हमारे पास DE की वैल्यू आ जाएगी, DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.93 किलो न्यूटन। तो हमारे पास DE की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, हमने फर्स्ट जॉइंट के अंदर दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट की AE की, AE की वैल्यू जब हमें पता लग जाएगी तो हम निकाल लेंगे DE की वैल्यू। ठीक है, DE की एंगल हमारे पास 30 है, तो AE और DE इन दोनों की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, निकाल लिया हमने कंसीडर जॉइंट फर्स्ट के अंदर। अब हम यहां पे कर लेते हैं सेकंड, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट हो गया, यहां पे बात कर लेते हैं सेकंड, कंसीडर जॉइंट टू, यानी कि अब हम बात करते हैं हमारे जॉइंट टू के बारे में। तो जॉइंट के एस्टीमेशन B इज इक्वल टू 0, तो सेकंड जॉइंट के अंदर हम किसके देखेंगे, BF का, इसका, फिर हम करेंगे इसका। तो हमारे पास क्या रहेगा, BF, BF यानी कि sin थीटा, sin कितना आ जाएगा, sin 30 is equal to हमारा कितना रहेगा 7.73, क्योंकि हमें पता है R3 पे जो हमारा रिएक्शंस आएगा वो कितना है 7.73। यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है 2.2, क्योंकि ये हमारा था R1 के रिलेटेड, अब हम कर रहे हैं R3 के रिलेटेड, तो R3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहां से अब हम इसको निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी BF की, वो BF की वैल्यू किस तरह से होगी कि sin 30 है, sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो sin 30 की वैल्यू 0.5 हम कर देंगे, तो 0.5 करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम निकाल लेंगे जैसे h निकालते हैं, एस्टिमेशन h इज इक्वल टू 0। तो BF तो निकाल लिया, अब हम क्या लिखेंगे, BF cos। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, यहां से cos निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा CF आएगा, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, CF को हमने क्या निकालना है, CF, CF is equal to हमारे पास क्या है, BF, BF cos 30, हमारे पास क्या आ जाएगा, BF cos 30। तो CF की हमने वैल्यू निकालनी है, BF हमारे पास कितना है, BF है 7.73 divide by 0.4, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचता होता है वो बनेगा 50.6 multiply, ठीक है, cos 3/2, ये हमारा पूरा आ जाएगा रूट 3/2। तो हमारे पास CF की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे पास CF की वैल्यू आएगी, तो CF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 13.38 किलो न्यूटन।
ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को एवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी CF की, तो CF की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं हमारे जॉइंट के बारे में, ठीक है, थर्ड जॉइंट रख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हमारे थर्ड जॉइंट के रिलेटेड। तो यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया जॉइंट थर्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास CF। इसी तरह हम कर लेते हैं फोर्थ, कंसीडर जॉइंट फोर पे, यानी कि ये वाला जो फोर नंबर जॉइंट है इस जॉइंट को भी हम कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर भी सेम इसी तरह होगा, v इज इक्वल टू जीरो। देखो हमने सबने में यही किया है, v इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे अब क्या है BF, यानी कि BF करेंगे, BF किसके रिलेटेड करेंगे, हमारी D के रिलेटेड, यानी कि जो हमारा 60 एंगल बनेगा तो उसके रिलेटेड करेंगे और EF हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे BF, हाँ BF हमारा क्या रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे BF sin 60। तो हमारे पास आ जाएगा BF sin 60 is equal to, तो 60 is equal to किसके होगा, ये होगा हमारे 10 के, हमारे किसके होगा 10 के, कि हमारी जो वैल्यू है 10 के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे E और F की, हम निकालना चाहते हैं E और F, तो जो वैल्यूज है वो वैल्यू पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 और साइन थीटा होता है डिवाइड बाय में 30, तो EF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है, EF की जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी 11.54 किलो न्यूटन, ठीक है, 54 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है। तो चारों जॉइंट्स के बारे में तो एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रसेस, कि हमारे पास एक इक्वेशन न्यूमेरिकल था उसके अंदर हमारे ट्रसेस दिया हुआ है, ये हमें दिया होगा, हमने सिर्फ क्या निकालनी है, फोर्सेस निकालनी है ऑल द मेंबर्स पे, जितने भी मेंबर्स हैं। तो यहां से हमने शुरू किया कि लेट R1 R3, हमने रिएक्शंस कर लिए कि R1 और R3 हमारे रिएक्शंस है A और B पे, तो यहां से हमने R3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, R1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व।